सभी दोस्तों को नमस्ते। आज मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाली हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे इन आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल रहे हैं, तो मैं आप लोगों को आज इन बच्चों के खेलों से संबंधित जानकारी दूंगी कि किस प्रकार से इन बच्चों को खेलने से रोका गया और बच्चों के आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला बंद कर दिया गया। और कुछ और मैं जानकारियां देने वाली हूं, इसलिए वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए हम लोग पहला जानकारी देख लेते हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम, गर्भवती महिलाओं व बच्चों का नियमित टीकाकरण कराना जरूरी, डॉक्टर श्वेता रमण। आप लोग देख लीजिए, ये भीतहा की गर्भवती महिलाओं और शिशुओं का नियमित टीकाकरण और योग्य लाभार्थी को दी जाने वाली वैक्सीन, जिले में नियमित टीकाकरण का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि गर्भवती का भी जो है शिशु का भी ससमय नियमित टीकाकरण हो सके, सुनिश्चित हो सके कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा लाभ मिल सके, जिसके सामर्थ्य रूप देने के लिए निर्धारित तिथि के अनुसार जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर नियमित टीकाकरण अभियान चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही टीकाकरण होता है, जिसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। इनका जो रिएक्शन था वो इस वीडियो के बारे में था, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई। आप लोग देख लीजिए, ये भी जानकारी जो है कि बिहार के ही आंगनबाड़ी केंद्रों की है, जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का जांच किया गया और जांच करने के पश्चात उन्होंने जो जो अनियमितताएं देखी उसे निकाला गया है और उसके बारे में लोगों को बताया गया है। तो आप लोग देख लीजिए रिएक्शन। तो देख लीजिए, दबंगों ने आंगनबाड़ी केंद्र में जड़ा ताला। आप लोगों को मैं बता दूं कि केंद्र संख्या 74 हथुआहवा में दबंगों द्वारा ताला मारने पर मामला प्रकाश में आया है। संबंधित केंद्र की जो सेविका है गुड़िया कुमारी, उन्होंने बताया है कि उनका आंगनबाड़ी भवन सामुदायिक भवन में चलता था, जो कि वर्षों से संचालन किया जा रहा है। जबकि उस आंगनबाड़ी केंद्र पर वहाँ के कुछ दबंगों ने जबरदस्ती ताला बंद कर दिया है, जबकि उसमें सारा सेविका की जितनी पंजियाँ हैं, ICDS विभाग द्वारा मिले हुए जितने स्टॉक हैं, जितने सामग्री हैं, सब उस आंगनबाड़ी भवन में ही है, उस सामुदायिक भवन में ही है, और वहां से बच्चों को निकाल दिया गया है। जबकि जिन्होंने वहां ताला जड़ा है, उनके भी आस पड़ोस के बच्चे उसी आंगनबाड़ी केंद्र में जाते थे और वह सेविका बहुत ही बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती थी। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को उनके आंगनबाड़ी केंद्र से निकाल दिया गया है और वहां ताला बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में जो सेविका है, किसी के दरवाजे पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए मजबूर है, विवश है। बच्चों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मगर मजबूरी में सेविका कार्य कर रही है। तो देखा आप लोगों ने कितनी प्यारी प्यारे बच्चे हैं जिन्हें कि आंगनबाड़ी केंद्रों से निकाल दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला बंद कर दिया गया है। हर प्रकार से जो बच्चों को एक आंगनबाड़ी भवन में सुविधाएं मिल जाती थी, बच्चों का खाना बनाना, खिलाना, बैठने, खेलने, कूदने की व्यवस्था, वह सभी व्यवस्थाएँ बंद है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिए।